कहां से आया तू दुनिया से जा ओ रोना जा जारी 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 जा ओ रोना जा जारी कोरोना एक अभूतपूर्व वैश्विक महामारी दुनिया के तमाम देशों से होते हुए ये भारत में भी आ गया और शुरू हुआ लॉकडाउन अर्थात महाबंदी का लंबा सिलसिला। अनेक कोरोना वॉरियर्स, चिकित्सा समुदाय, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, शासन और प्रशासन के लोग प्राणपण से इस आपदा से निपटने में लग गए। अब कलाकार क्या कर सकता है, तो एक सकारात्मक सोच के तहत हमारे पुराने मित्र यश भारती एवं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान से पुरस्कृत श्री केवल कुमार जी और मुंबई के गीतकार श्री अशोक हमराही जी ने एक योजना बनाई कि हम आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए प्रतिदिन लोगों को सकारात्मक रखने के लिए एक गीत का प्रसारण करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। इसी क्रम में देश के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कलाकार ने अपना इसमें योगदान दिया, जैसे पद्मश्री अनूप गलोटा जी, उषा मंगेशकर जी, शारदा, मधुश्री एवं दिलराज कौर और हम जैसे साधारण कलाकारों ने भी इसमें योगदान दिया। मेरी प्रस्तुति 5वीं थी, फिर उसके बाद दोबारा हुई। इस क्रम में ये कार्यक्रम इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ कि प्रतिदिन 2 गाने देने पड़े और अब इसका 100वां गाना आने जा रहा है। मैं श्री केवल कुमार, श्री अशोक हमराही जी और समस्त भाग लेने वाले कलाकारों को हार्दिक साधुवाद देता हूँ। जय हिंद। ये पंक्तियाँ उस गीत आहुति की हैं जिसे आदरणीय केवल जी के नेतृत्व में हो रहे कोरोना से जंग हेतु संगीत के महायज्ञ में देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं प्रोफेसर विनीता सिंह, नेत्र विभाग KGMU लखनऊ की पूर्व विभागाध्यक्ष, सभी कला प्रेमियों को नमस्कार करती। आपने जिस अभूतपूर्व मंच का सृजन कर अनेक कलाकारों को एक सूत्र में पिरोया है, उसे किसी न किसी रूप में आगे भी चलाते रहें। संगीत संयोजन एवं गायन में केवल जी की अपनी पहचान है, तो साहित्य एवं लेखन में अशोक जी की। अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर पर अनेकों पुरस्कारों से अलंकृत हैं। जिस लगन, मेहनत और निष्ठा से आप दोनों कला की सेवा में लगे हुए हैं, वह सराहनीय एवं अनुकरणीय है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि जल्दी ही इस कड़ी की सेंचुरी पूर्ण होगी और 100वां गीत हमें सुनने को मिलेगा। कोरोना से जंग के इस महायज्ञ की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मंजुषा मिश्रा, शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायिका। सर्वप्रथम मैं केवल अंकल जी को और अशोक अमराई अंकल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आज उनके गीतों का संग्रह 100 पूरे हो गए। लॉकडाउन के दौरान जहाँ सब कुछ बंद था, पूरा देश बंद था, तब केवल अंकल जी का संगीत का भंडार खुला हुआ था। उस भंडार से
इतने प्रकार के पुष्प रूपी गीत निकले कि जिनकी संग्रह आज 100 हो गई है। केवलानंद जी ने प्रदेश के ही नहीं देश के प्रतिष्ठित कलाकारों को उस गीतों के माध्यम से गवाया, उनमें 2-3 गानों का अवसर मुझे भी प्रदान किया। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि अंकल जी दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही हम लोगों के लिए सुंदर सुंदर गीत हम लोगों से गवाते रहें। थैंक यू सो मच अंकल जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन मिश्रा सितार वादक और मैं श्री केवल कुमार सर एवं श्री अशोक हमराई जी को बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ उनके 100 सॉन्ग पूरे होने के उपलक्ष में। ये बड़ा ही सराहनीय कार्य रहा है ये दोनों कलाकारों के द्वारा, और इसमें प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हर जगह के अच्छे अच्छे कलाकारों को केवल सर एवं हमराई जी चुन के लाए और उन सभी से गीत गवाया, और हमें भी इसमें काम करने का अवसर मिला। 2-3 गाने हमने भी उसमें पेश किया और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा केवल सर के लिए कि जब हमारे देश में लॉकडाउन आरंभ हुआ तो हमारे जैसे युवा लोग थोड़े ऊर्जा की कमी हो गई कि कहीं निकलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, लेकिन उसी लॉकडाउन के दौरान केवल सर इस उम्र में भी और अधिक ऊर्जावान हो गए और देखिए कि धीरे धीरे करते करते 100 सॉन्ग पूरे हो गए। रोज़ सुबह शाम, पहले एक दिन में एक गाना रिलीज होता था, अभी कुछ दिनों से सुबह शाम, और बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग संगीत से जुड़े हुए हैं। बड़ा मुश्किल है कि 100 गाने कंपोज करना और उसके साथ में सारी अलग अलग विधाएं, गजल भी है, भजन भी है, गीत भी है, फोक भी है, क्लासिकल भी है, तो कोई किसी से जुड़ाव नहीं है। तो मैं रियली समझता हूँ कि ये शायद केवल सर की ही बस की बात थी कि उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। एक बार फिर से उन दोनों कलाकारों को तहे दिल से शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार।